कुशीनगर की, जहां पर बदमाश की ग्रामीणों ने पुलिस के सामने ही पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ने घर के बाहर बैठे शख्स को गोली मार दी थी। हत्या के कारणों का हालांकि पता नहीं चला है। तराय सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बगरा गांव का मामला है। हत्या के बाद ही हत्यारोपी छत पर चढ़ गया, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने जैसे ही कस्टडी में इसको लिया ये नीचे आया। ग्रामीणों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस यहाँ पर बेबस होकर खड़ी रही और पुलिस के सामने ही इसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो कुशीनगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक बदमाश की पीट पीट कर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हत्यारे को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस के सामने ही ग्रामीणों ने बदमाश की हत्या की। बदमाश ने घर के बाहर बैठे शख्स को गोली मारी थी। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा गांव का ये पूरा मामला है। और अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई है, अब कैसे हालात हैं गांव में? जी, आपको बता दें, अभी जो कुछ देर पहले की घटना है जिसमें अपराधी ने एक व्यक्ति को, कुर्सी बैठे व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी थी। उसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने उस अपराधी को अपनी कस्टडी में लिया था, लेकिन भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि भीड़ ने पुलिस की कस्टडी से लेके उसकी पीट पीट के हत्या कर दी है। अभी गांव में तनाव है, लेकिन पुलिस मौके पे है। रास्ते में SP भी पहुँच रहे हैं, रास्ते में है, उनसे मेरी वार्ता हुई है, वो रास्ते में है। क्योंकि दूरी जिला मुख्यालय से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूरी ज़्यादा है, इसलिए रास्ते में जाने में समय लग रहा है। वो भी कुछ देर में पहुँच जाएंगे मौके पर। जी बिल्कुल अखिलेश, लेकिन ये जो पूरी वारदात हुई, पहले जो आरोपी है उसने एक व्यक्ति की हत्या की, उसके बाद ग्रामीणों ने उसकी हत्या कर दी, ये पूरा मामला क्या है? दो दो हत्याएं हो गई कुछ ही घंटे के अंदर। जी जी, आपको बता दें कि कुशीनगर में पुलिस का मतलब बिल्कुल जो वो भय होता है, जो कानून का भय होता है, वो कानून का भय बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कल रात में भी उसी तरह से सुजान थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार दी गई थी। आज सुबह सुबह ये घटना घट गई। अब मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भीड़ ने एक व्यक्ति को, एक अपराधी को पीट पीट के मार डाला। इसके बाद आप कल्पना कर सकते हैं कि पुलिस का भय कितना है, कानून का भय कितना है लोगों में। आपको बता दें कि अभी अनऑफिशियल रूप से ये जानकारी मिली है कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसमें जो अपराधी आया था वो गोरखपुर से था, उसका और जो व्यक्ति इसकी उसने पहले गोली मार के हत्या की थी, उसकी सिस्टर से अवैध संबंध था, जिसको लेकर वो घर पे आया था। और उसके बाद बात में माहौल खराब हुआ है, किसी बात पे कहा सुनी हुई है, उसके बाद उसने उस व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी है। शुक्रिया अखिलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तस्वीरें हम आपको कुशीनगर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है शख्स को, और उसकी वहीं पर मौके पर ही पीट पीट कर हत्या कर दी। हालांकि इस खबर का दूसरा पहलू यह है कि जिसको पीट पीट कर हत्या की, थोड़ी देर पहले उसने भी एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या की थी, लेकिन वहां से भागने में कामयाब नहीं रहा। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण इतने उग्र थे कि पुलिसकर्मी जो आपको 4-5 दिख रहे हैं वो बेबस हो गए और उन्हें मूक दर्शक बनकर इस हत्या को होने देना पड़ा। तो ये हालत है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये बेबसी पुलिस की है तो फिर कैसे कानून व्यवस्था सुधरेगी? इन सब के बीच ABP गंगा लगातार काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है कि कुशीनगर के SP से बात हो जाए, उनसे वर्जन ले लिया जाए, लेकिन SP फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कोई अधिकारी बात करने को इस मामले पर तैयार नहीं है। और इसमें हैरानी आप देखिए, जो ज़िले के ASP हैं वो कह रहे हैं मैं छुट्टी पर हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। तो सवाल यही है कि एडिशनल SP हैं वो कह रहे हैं मैं छुट्टी पर हूँ, छुट्टी पर दरअसल एडिशनल SP नहीं, कानून व्यवस्था लग रही उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर की बात कर लीजिए, लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आई कुछ तस्वीरों की बात कर लीजिए, जिस तरीके से भीड़ अपने हाथ में कानून को ले रही है, उससे तो यही लगता है कि कानून व्यवस्था छुट्टी पर चली गई है। आप देखिए कुशीनगर की तस्वीर क्या है, पुलिस के सामने ही एक शख्स को पीट पीट कर भीड़ ने जान से मार दिया और पुलिस खड़ी रही अपनी जान बचाने के लिए। ये तस्वीर है, तराय सुजान थाना क्षेत्र की घटना है कुशीनगर की। जो SP हैं फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, SP साहब ने फ़ोन उठाया तो उनका कहना है वो छुट्टी पर है, इस बारे में बातचीत नहीं कर सकते हैं। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है? कुशीनगर में आखिर इतनी ज़्यादा जो आपराधिक मानसिकता है उसको बल कैसे मिला
कि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के मना करने के बावजूद लोग नहीं माने और उस शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी। तो इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन फोन उठाने को कोई तैयार नहीं है। डीआईजी गोरखपुर से भी एबीपी गंगा ने ये कोशिश की कि संपर्क किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, लेकिन अभी का अपडेट ये है कि डीआईजी गोरखपुर भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, एसपी कुशीनगर भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, एएसपी साहब ने फ़ोन उठाया तो उनका कहना वो छुट्टी पर है। सवाल ये है कि इस घटना पर बातचीत करने से प्रशासन क्यों बच रहा है, पुलिस के जो आला अधिकारी वो क्यों बच रहे हैं, और सवाल ये भी है कि इस तरीके की घटनाएं आखिर प्रदेश में रुक क्यों नहीं रही हैं। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। कल एक बड़ी घटना लखीमपुर खीरी में हुई, आज कुशीनगर में ऐसी घटना हो गई, इससे पहले भी एक दो जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं।